अगर आप भी बाल झड़ने की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप यह वीडियो जरूर देखें। हम आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे आसान रेमेडी के बारे में बताएंगे जिन्हें अपना करके आप बाल झड़ने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं तथा आपके बाल लंबे काले घने दिखने लगेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल हेल्थ सोल्यूशन में एक बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आपने देखा होगा कि आपके सर के बालों की संख्या अच्छी खासी होती है तब आपकी पर्सनालिटी कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती है, परंतु जब आपके सर पर बालों की संख्या कम हो जाती है तो आपकी पर्सनालिटी भी घट जाती है। इसलिए यह कहा जाता है कि पर्सनालिटी को अच्छा रखने के लिए घने बालों का होना बहुत ही जरूरी है, परंतु हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिनके कारण हमारे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और फिर अगर हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं तो उनका टूटना चालू हो जाता है, परंतु हमें यह नहीं पता चल पाता है कि हमारे बाल आखिर क्यों टूट रहे हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे आसान घरेलू उपाय जिन्हें अपना करके हम बाल झड़ने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। पहला उपाय यह है कि नीम का पत्ता। नीम की पत्तियों को पानी में डाल करके उबालें। इसे तब तक उबालें जब तक पानी भाप बन करके आधा ना हो जाए। पानी को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दें और तब तक आप कोई दूसरा काम कर सकते हैं। जब पानी ठंडा हो जाए तो इससे अपने बालों को धो लें। नीम में बहुत ही औषधीय गुण होते हैं। नीम के पत्तों के प्रयोग से बालों का झड़ना बंद हो जाता है तथा बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। यह बालों को जू से भी दूर रखता है। दूसरा उपाय यह है कि आंवला और मेहंदी पाउडर। एक चम्मच आंवला पाउडर और 3 चम्मच मेहंदी पाउडर लें। इसे हल्का गुनगुना करके मिलाएं। अब इसका पेस्ट तैयार कर लें। याद रहे यह हल्का गाढ़ा होना चाहिए वरना बालों में सही से नहीं लग पाएगा। आप इस पेस्ट को 2 से 3 घंटे बाद अपने बालों में लगाएं। 2 घंटे बाद आप शैम्पू के साथ अपने बालों को ठंडे पानी से धो लें। आंवला और मेहंदी में मौजूद पोषक तत्व स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इस उपाय को आप महीने में कम से कम 2 बार अवश्य करें। तीसरा उपाय यह है कि केले का मास बाल झड़ने की समस्या से छुटकारा दिलाएगा, बल्कि यह स्किन और हेयर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। केले का हेयर मास्क बनाने के लिए आप 1 कटोरे में पके हुए केले लें। इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें। अब इसमें जैतून का तेल मिला लें। इस मास्क को करीब 40 मिनट के लिए अपने बालों में लगा लें और उसके बाद आप सिर को धो लें। यह मास्क आपके बालों की ग्रोथ के साथ साथ उन्हें हेल्दी और खूबसूरत भी बनाएगा। चौथा उपाय यह है कि मुलेठी का हेयर मास्क। बालों का झड़ना रोकने के लिए मुलेठी हेयर मास्क बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके लिए आप सबसे पहले दूध में मुलेठी और केसर बराबर मात्रा में मिलाएं। सोने से पहले इस मिश्रण को रुई से अपने बालों की जड़ों में लगाएं। रात भर इसे ऐसे ही लगाकर छोड़ दें। सुबह आप अपने बालों को धो लें। यह आपके बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। पांचवा उपाय यह है कि करी का पत्ता। बालों के गिरने की समस्या से निजात पाने के लिए आप 4-5 करी पत्ते ले लें और इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल मिला लें। आपको इसे तावे पर गर्म करना है। उसके बाद आप इन दोनों को आपस में मिक्स कर लें। थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल करके इसका पेस्ट तैयार कर लें और इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएं। यह आपको बाल झड़ने की समस्या से छुटकारा दिलाएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।